स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस फॉर क्लास 4. टुडे वी विल डू रिटन वर्क. टेक आउट योर साइंस कॉपीज. शाबाश. टुडे वी विल डू द डायग्राम ऑफ लेसन 2. On Thursday we have done with true false. I hope आप सबने complete कर लिया होगा. अच्छा, before starting the new work, आज हम copy tally करेंगे. ठीक है, first we will tally the copy, उसके बाद हम diagram करेंगे. So all of you open first page. Handwriting pattern. शाबाश, ओपन योर फर्स्ट पेज. ओके जी, नाउ वी विल टेली द कॉपी फर्स्ट. आप देख लें, अगर आपसे कुछ मिस हुआ है अपने पास लिख लें, फिर मुझे बाद में बता कि मुझसे आपने पिक्चर्स लेनी है. ठीक है, अपना काम आपने कंप्लीट करना है. ये ना हो कि हम आगे काम करते चाहे और पीछे आपका काम इनकम्प्लीट हो. और जी जी, फर्स्ट इज हैंड राइटिंग पैटर्न, देन लेसन समरी ऑफ यूनिट 1, हैबिटेट्स एंड कम्युनिटीज. हमने उसकी लेसन समरी की थी. आफ्टर दिस क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी. दिस इज क्वेश्चन 1. देन क्वेश्चन 2, व्हाट इज अ हैबिटेट. क्वेश्चन 3 इज व्हाट आर नॉन लिविंग फैक्टर्स. अगर किसी ने कुछ नहीं किया हुआ अपने पास राइट करता जाए, एंड में मुझे मैसेज करे और मुझसे पिक्चर्स ले लाजमी, या ग्रुप में पिक्चर्स मौजूद हैं वहाँ से जाकर ले और अपना काम कंप्लीट करें. क्वेश्चन 4 इज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लिविंग फैक्टर्स इन द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद हमने डेफिनेशंस की थी प्रीडेटर एंड इकोसिस्टम. आफ्टर दिस फिल इन द ब्लैंक्स, एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर टोटल 5. मेरे साथ साथ टैली करते जाएं. ओके, आफ्टर दिस ट्रू फॉल्स ऑफ यूनिट 1, दे आर 5, एंड देन डायग्राम, डायग्राम ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी. ठीक है, जवेरिया आपने डेफिनेशंस क्यों नहीं किया? अब आपने डेफिनेशंस करनी है. आप मुझे बाद में मैसेज करें, मैं आपको पिक्चर भेज दूँगी. ठीक है, किसी तरह आप ये वाला पेज फाड़ के, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह का एक पेज फाड़ना है. ठीक है, 4 लाइंस वाला, और उसको ग्लू इधर लगा कर इसमें अटैच करना है, फिर उसमें डेफिनेशन लिखनी है. समझ आ रही है जवेरिया? बच्चे आप लोग तो मिट्टी थी दफ़ा देती हूँ कि देख के काम किया करें. रोज़ाना मैं आपसे पिछला काम आपको बताती हूँ. फिज़ा इमरान, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मैसेज करें, मैं अभी बात नहीं कर रही. ठीक है, ओके जी. नाउ कोर्स कंटेंट ऑफ अगस्त, उसमें लेसन 2 है एडप्टेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. आफ्टर दिस लेसन 2 की लेसन समरी है. वर्ड स्टॉक, ठीक, देन वर्ड स्टॉक आर टोटल 7. फर्स्ट यूनिट में हमने वर्ड स्टॉक नहीं किए हुए. ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने सेकंड यूनिट में सिर्फ किए हैं. वैसे भी ये पेपर्स में नहीं आते होते, ये आपको समझाने के लिए करवाएं. देन डेफिनेशन, एडेप्टेशन एंड माइग्रेशन. ठीक है, देन क्वेश्चन 1 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल एडेप्टेशन.
question 2 is write list of different habitat. Question 3, write any behavioral adaptation of plant in a forest habitat. What are the structural adaptation of desert habitat animal? It is question number 4. After sab complete hai? After question answers we have fill in the blanks and they are total 5. Then true false and they are total 5. Aaj hum diagram karenge, so ready the page for your diagram. अब मुझे सारे मैसेज करके बताएं कि आप सबका कंप्लीट है, राइट कंप्लीट, ओके सब कंप्लीट राइट करें. गुड गुलाले, यस हनफा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ. जी हनफा, यस बेटे, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही. जी मैम, मैंने कोर्स कंटेंट राइट नहीं किया. अगस्त वाला बच्चे वो राइट करना है. अब आपने क्या करना है ना, आपने एक पेज ऐसा प्लेन पेज लेना है, उसको फाड़ के, ठीक है, आपने क्या करना है कि लेसन समरी से पहले आपने यहाँ पे ग्लू लगानी है, ठीक है, और ये वाला पेज लेके इधर अंदर घुसा के अटैच कर देना है, ठीक है, वो अटैच हो जाएगा, फिर आपने इस पेज पे कोर्स कंटेंट राइट करना है. समझ आ रही है हनफा? यस मैम. ठीक है, आपने करना है जिस तरह जो काम दरमियान से मिस हुए वहाँ पर एक पेज लगाना है और बस अपना काम उस पर कम्प्लीट कर देना है. यस अच्छा जी, इसकी मैं आपको फिर बाद में पिक्चर सेंड कर देती हूँ. आप मुझे मैसेज कर देना अपने नेम से, मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है. अच्छा जी, वेलकम. उस्मान का कंप्लीट है, वेरी गुड. जवेरिया का कंप्लीट, गुड. अबिया फातिमा का कंप्लीट है. फिजा इमरान, अशर शिराज, वेरी गुड. अब जिस तरह इनकम्प्लीट है वो भी मुझे बताएं, जिस तरह काम इनकम्प्लीट है, जो भी इशू है मुझे मैसेज करें अपने नेम के साथ और मुझे क्या पिक्चर सेंड कर दें. आप सब ने अपना काम कंप्लीट करना है, ओके. चलें जी, नाउ रेडी द पेज फॉर द डायग्राम. इट्स ओके अगर आपकी डायग्राम आज कंप्लीट ना हो, ठीक है. Ready the page, write down today's date. Write down the question. Draw the diagram of grassland and tundra habitat. What you have to do, you have to draw the diagram of these two habitat, grassland habitat or tundra habitat. की आपने diagram बनानी है. अब ये कैसे बनेगी,
सी दिस पिक्चर, देखिए इसमें उन्होंने पार्टीशन की हुई है, ठीक है, ऊपर ग्रैसलैंड हैबिटेट बनी हुई है और नीचे टंड्रा हैबिटेट बनी हुई है। आपने भी ऐसे ही बनाना है। ग्रैसलैंड हैबिटेट आप सबको पता है, उसमें ट्रीज होते हैं, उसमें ग्रास होती है, तो वो बनाना है और उसमें आपने कलर्स करने। इसी तरह टंड्रा हैबिटेट आपको पता है स्नोई एरिया, वहाँ पर बर्फ़ वगैरह होती है काफ़ी ज़्यादा, तो आपने उसको सारा वाइट शो करना है। बर्फ़ के पहाड़ वगैरह देखिए कैसे इन्होंने बनाए हुए, उसी तरह आप सब ने बनाने। आई विल शेयर दिस पिक्चर इन द ग्रुप एज वेल, ठीक है। चलिए स्टार्ट मेकिंग द डायग्राम। आपके लिए मैंने यहाँ पे कॉपी रखी हुई है, इसको देखें और डायग्राम बनाएं। आयान अनिशा आपने यूनिट टू की ट्रू फॉल्स नहीं किए हुए, अच्छा बच्चे आप मुझे अपने नेम के साथ मैसेज करोगे ना मेरे पर्सनल नंबर पे, तो मैं आपको उधर ही सेंड करूँगी, इधर सेंड नहीं हो सकता। आयान अलीशा आपका तो काफ़ी सारा काम मिस है, क्वेश्चन टू थ्री एंड ट्रू फॉल्स ऑल्सो। बच्चे आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज करोगे, ठीक है, वहीं पे मैं आपको सेंड कर सकूंगी। ओके आयान अलीशा, क्लास फोर के ग्रुप में मेरा नंबर हो तो आपने वहाँ से लेना है। इस नंबर पे मुझे आप मैसेज करेंगे, ठीक है आयान अलीशा, फिर मैं आपको पिक्चर्स भेज दूँगी। ओके ओके बेटा स्टार्ट मेकिंग द डायग्राम, इट्स सो चेट आज कम्प्लीट ना हो कल भी मैं आपको दोबारा ये डायग्राम शो करूँगी, कल भी हमने सिर्फ डायग्राम बनानी है, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। यस अबीहा फातिमा, यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके जी अनम्यूट योरसेल्फ। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा, जी मैम ये डायग्राम की पिक सेंड करेंगी? जी ये मैं पिक सेंड करूँगी, ठीक है जी, आपको आवाज, ठीक है ओके जी, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्या इनकम्प्लीट है? जो जो काम आपने नहीं किया ना मुझे लिख कर भेजे चैट में ताकि मैं समझ सकूं, और फिर आप मेरे जी स्कूल का कोई भी काम नहीं किया, ये क्या बात हुई? ये जो मैं आपको डेली बेसिस पे काम करवा रही हूँ ये तो बहुत गलत बात है। बच्चे दिस इज योर साइंस क्लास, साइंस का काम किया है कि नहीं? गुड, अगर नहीं किया तो आप मुझे बता सकते हैं, जो मिस हुआ है मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी, ठीक है, काम कंप्लीट कर लें अपना फिर। अच्छा जी इंशाल्लाह ताला मैम एक दिन मैं इंटर टेस्ट भी लूँगी, थोड़ा सा कोर्स कवर हो जाए तो इंशाल्लाह ताला इंटर टेस्ट भी होगा एक दिन।
ओके गुलरुख, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. जी बच्चे, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, इट्स नॉट क्लियर. आवाज़ नहीं आ रही सही से, आप मुझे मैसेज पे लिख के दे दो. ओके जी, कॉपी में करवा रहे हैं वो, इंशाल्लाह ताला पेपर में आएगा. जी जी बिल्कुल, याद करने वो सारा काम याद करने, पर पहले हम थोड़ा सा काम करवा लें, फिर इंशाल्लाह ताला मैं इनसे टेस्ट भी लूँगी. अच्छा बेटा, कल इंशाल्लाह ताला हम दोबारा ही डायग्राम करेंगे, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़.